नाना पाटेकर जी की जिंदगी में कई सारी कंट्रोवर्सीज आई, पर कभी भी किसी ने भी उन पर लड़की छेड़ने का आरोप नहीं लगाया था। पर तनुश्री दत्ता का कहना है कि हॉर्न ओके प्लीज मूवी की शूटिंग के दौरान जब एक आइटम सॉन्ग की शूटिंग हो रही थी तो नाना पाटेकर ने उन्हें हरास किया, गलत तरीके से छेड़ा और बाद में उन्हें मूवी से निकाल दिया गया। पर ऐसा तो क्या हुआ कि इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट पुलिस में तनुश्री दत्ता ने 10 साल के बाद करवाई। कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर से गुस्सा होकर सेट छोड़कर चली गई तो उस समय कई सारे मीडिया वाले इनसे इस बात पे गुस्सा हो गए क्योंकि ये किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। कई लोग तो इतने गुस्सा हो गए कि इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और गाड़ी को मारने लगे। इसके बाद से तनुश्री दत्ता ने जितनी भी पिक्चरें करी सारी फ्लॉप हो गई और वो चली गई डिप्रेशन में। 2018 में दौर आया मीटू का। कई सारी फीमेल एक्टर ने बताया कि किस तरीके से उनके साथ बॉलीवुड में गलत हरकतें हुई हैं। ऐसे में तनुश्री दत्ता ने फिर से नाना पाटेकर वाले इंसिडेंट को उठाया और 10 साल के बाद उनकी पुलिस कंप्लेंट कर दी।